एक युवा जो पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए पिता के साथ परंपरागत खेती में हाथ बटाता है, लेकिन कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगती। बाद में दोस्तों के सलाह पर राइस मिल स्थापित करता है, पर इसमें भी निराशा हाथ लगती है। आर्थिक तंगी और परिवार की बढ़ती जिम्मेदारी, इस दबाव में इन्हें कुछ स्पष्ट सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। फिर किसी की प्रेरणा से वह अमरूद की खेती शुरू करता है और धीरे धीरे अमरूद की खेती में नई तकनीक को अपनाता है, और एक दिन अमरूद के बागान के साथ साथ उसकी जिंदगी भी फलने फूलने लगती है। अब वह मनचाहा अमरूद के फल उत्पादन कर अपना ही नहीं बल्कि अपने आसपास के किसानों को भी अमरूद की सफल बागवानी सिखा रहा है, और इसके सफल प्रयासों से कई किसान तरक्की की राह पकड़ रहे हैं। इस युवा प्रगतिशील किसान का नाम है मोहम्मद रफीक आलम। अमरूद का खेती हम लगभग 11 साल से करते हैं, और नोदिया में मेरा अपना ही आदमी था, उन्हीं लोगों से जैसे हमको ये मिला तो वही लोग ला के पौधा दिया हमको, और तभी से 11 साल से हम यही सब करते हैं। मोहम्मद रफीक को अमरूद की खेती करने का ख्याल पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के किसानों से आया। बात बहुत पुरानी नहीं है, एक बार मोहम्मद रफीक अपने रिश्तेदारों के पास पश्चिम बंगाल के नदिया गए थे। वहां इन्होंने देखा कि कई किसान अमरूद की खेती कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। यह देख विपरीत हालात से जूझ रहे मोहम्मद रफीक के सपनों को पंख लग गए और ठान लिया कि अब अमरूद की खेती ही करनी है। वहां से अमरूद की खेती की पूरी जानकारी लेकर वे अपने घर लौटे और पिता से ये इच्छा जाहिर की, लेकिन पिता ने साफ मना कर दिया। फिर इन्होंने अपने बचपन के दोस्तों से अमरूद की खेती के बारे में बताया। इनकी बात सुन दोस्त लोग तैयार हो गए। सभी दोस्तों ने सोचा कि क्यों न इसकी तकनीकी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र से लिया जाए। कृषि विज्ञान केंद्र किशनगंज, जो इनके गांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, यहां आकर इन लोगों ने वैज्ञानिकों से संपर्क कर अपनी इच्छा को जाहिर किया। कृषि विज्ञान केंद्र से पूरी जानकारी लेने के बाद वे शुरुआत में 4 एकड़ जमीन लीज पर लेकर नदिया जिले से ही 400 अमरूद के पौधे को लाकर खेती शुरू कर दी। लेकिन अभी 2 वर्ष बीते ही थे, अमरूद में अभी ठीक से फलन भी शुरू नहीं हुआ था कि इनके दोस्तों ने खेती से मुंह मोड़ लिया। फिर भी रफीक ने हार नहीं मानी और अमरूद की खेती में लगे रहे। इन्होंने फसल नियंत्रण के तौर पर शाखाओं में छत्रक प्रबंधन किया और ट्विस्टिंग तकनीक अपनाकर मनचाहा यानी ऑफ सीजन फल प्राप्त करने लगे। इस तकनीक को मसाज तकनीक भी कहा जाता है। दरअसल इस तकनीक में अगस्त और सितंबर महीने में या अपनी सुविधा के अनुसार अमरूद की नई शाखाओं में ऊपर से 10 से 12 पत्तों को तोड़कर शाखा की बची हुई पत्तियों को हटा देते हैं, फिर नीचे की तरफ झुकाते हुए बाएं से दाएं की तरफ हल्का सा मोड़ देते हैं। जैसे ही चटक की आवाज आ जाए तो समझिए मसाज या ट्विस्टिंग हो गई। मसाज किए हुए पौधों में कुछ समय बाद आप देखेंगे टहनियों के प्रत्येक नोड से नए फूल आ गए हैं। इस तकनीक के कारण 3 से 4 साल के पौधों से 18 से 20 किलो तक फल प्राप्त किया जा सकता है। रोपने का 7-8 महीना बाद इसका मसाज हो जाएगा, उसके बाद 7 महीना और जोड़ लीजिए, 7 महीना और 7, 14 महीना बाद आपको हर पेड़ से 5 से 6 kg करके अमरूद मिल जाएगा। 14 से 15 महीना में आपको उतना मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप जो मसाज कीजिएगा 14-15 को और 7 से जुड़िए, 15 और 7 22 महीना में फिर आपका हो जाएगा हर पेड़ 20 से 25 kg। उसके बाद फिर जुड़िए, वैसे करें 3.5 से 3 साल में जैसे आपका भरपूर आएगा। आज मोहम्मद रफीक अकेले ही करीब 10 एकड़ रकबा में नदिया और बराईपुर नामक अमरूद की किस्मों की खेती कर 15 से 16 महीने में लगभग 15 से 18 लाख की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। इनसे प्रभावित होकर किशनगंज जिले के लगभग 50 से 60 किसान अमरूद की खेती में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मोहम्मद रफीक आलम जो इस बगान के मालिक हैं, उनके आर्चर्ड में हम लोग हैं, और ये नई तकनीकी से जो है इसकी खेती कर रहे हैं पिछले 10-11 सालों से, और इन्होंने नई तकनीकी को अपनाकर, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि इन्होंने ट्विस्टिंग ऑफ ग्वावा के ब्रांचेज को ट्विस्ट कर देते हैं
और उसे आप सीजन जो है फ्रूट को लेते हैं। और इसमें हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र किशनगंज जो है हमारा खगड़ा में स्थित है, वहाँ से समय समय पर ये हम लोगों से गाइडलाइन लेते रहते हैं। इसमें यदि कोई बीमारी है, फल का साइज कैसे बढ़े, कैसे हम ऑफ सीजन को और अच्छी तरीके से ले सकें, वो सब जानकारी हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से, हमारे माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्र किशनगंज के माध्यम से इनको समय समय पर देते रहते हैं हम लोग। और आज ये करीब 400 पौधों से शुरू करके, 800 पौधों से शुरू करके ये आज जो है ये करीब 12 बीघे में इसकी खेती कर रहे हैं। और इनके इनका इतना प्रभाव है कि इस ज़िले में इस्लामपुर जो बगल में वेस्ट बंगाल में है, और वहाँ के जो मार्केट है वहाँ भी इनके बगान के नाम से फेमस है कि रफ़ीक आलम के बगान का ही अमरूद हमको लेना है। और इनसे प्रभावित होकर यहाँ पे करीब 50-60 किसानों ने अमरूद की खेती की तरफ ध्यान दिया है और खेती कर रहे हैं। करीब 400 से 500 बीघे में इसकी खेती हो रही है।